अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज अंजुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बिग्स किचन। अगर आप मेरे वीडियोस पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सेवा मीठा बनाने के लिए हमें ये सब चाहिए। 1 कप ऑफ बादाम, इसे रात भर के भिगो के रखी हूँ और स्लाइसेस में कट कर चुकी हूँ मैं। एंड 1 कप ऑफ पिस्ता ली हूँ, इसको भी रात भर के भिगो के स्लाइसेस में कट कर चुकी हूँ। एंड 1 कप ऑफ वाटरमेलन सीड ली हूँ और 1 कप ऑफ कैशू ली हूँ। ये सैफ्रन है, इसको ऐड भी कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और 2 लीटर फुल फैट मिल्क ली हूँ और 3/4 कप सेवियाँ ली हूँ, इसको मैं घी में अच्छे से रोस्ट करी हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट कुकिंग। एक पैन में 2 लीटर फुल फैट मिल्क ऐड करूँगी और उसको थोड़ा गर्म होने दूँगी। देखिए दूध में थोड़ा हल्के से उबाल आ रहा है, अच्छे से मिक्स कीजिएगा। यहाँ 4 बड़े स्पून मिल्क मेड ऐड करूँगी मैं और 4 बड़े चम्मच खोया ऐड करूँगी। क्लोज द लिड एंड कुक फॉर 10 मिनट्स। अच्छे से पकाएगा 10 मिनट के लिए। खोया एंड मिल्क मेड अच्छे से पक चुका है। अब देखिए, अब 4 बड़े चम्मच शुगर डालेंगे। शुगर देखकर डालिएगा क्योंकि मिल्क मेड में भी बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कीजिएगा शुगर अच्छे से। देखिए हल्का सा उबाल आ रहा है। दूध की क्वांटिटी आधा होने तक पकाइए, जब भी क्रीमी फ्लेवर आएगा। नेक्स्ट 4 इलायची अच्छे से कूट कर डालिए। इलायची मीठे को बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। अब अच्छे से मिक्स करके पकाइए 5 मिनट के लिए। और नेक्स्ट स्टेप है, एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी डालकर सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट डालूंगी, उसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगी। देखिए यहाँ गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसे समय पर गैस ऑफ करूँगी वरना सारे ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। अच्छे से मिक्स करिए। और ये सेवा है, इसको मैं ऑलरेडी घी में अच्छे से फ्राई कर चुकी हूँ। ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ दूध को अच्छे से 15 मिनट्स पका चुकी हूँ। देखिए यहाँ हाफ क्वांटिटी हो गया है पककर और क्रीमी फ्लेवर में आया है। अच्छे से मिक्स करिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है दूध। अब यहाँ ड्राई फ्रूट डालेंगे, धीरे धीरे डालिए, अच्छे से मिक्स करिए। और सेवन डालेंगे, इसी समय पर गैस बंद करेंगे वरना ड्राई फ्रूट का क्रिस्पीपन चला जाएगा और सेवन का ओवर कुक हो जाएंगे। सेवन के लिए सेट करने रखती हूँ। देखिए 10 मिनट्स के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और मीठा सर्व करूँगी अब। देखिए कितना गाढ़ा, कितना क्रीमी सा टेक्सचर आया है। आप भी घर में ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को खिलाइए। इस रेसिपी बहुत इजी एंड सिंपल है, बहुत कम समय पर पक जाएंगे। अगर आप मेरी रेसिपी पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने का ना भूलिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।